बाबा आसमान से जो तारा टूटता है, कहते हैं कि किसी महान पुरुष ने शरीर छोड़ा है, तभी तारा गिरता है। तो उस तारे को गिरता देखता है जो, वो एक ही सांस में राम राम कहता है। इसका बेहद का मतलब क्या है? आसमान में जो तारे हैं वो किसकी यादगार है? चैतन्य सितारों की यादगार है। ये आत्माएं धरती के सितारे हैं। ये धरती के सितारे जब शिव बाबा आते हैं इस सृष्टि पर, तो याद की ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ते हैं। ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ते उड़ते कभी माया का ऐसा पांखड़ा लगता है कि वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ते हैं तो अर्थी को ले जाते हैं शमशान घाट में, तो क्या कहते हैं? राम राम, राम राम सत्य है। तो ऐसे ये भक्ति मार्ग में प्रथा बन गई है कि वो आसमान के सितारे टूटते हैं तो तुरंत मुंह से क्या निकलता है? राम राम। बाकी उन सितारों की कोई बात नहीं है, ये तो धरती की सितारों की बात है। जो ऊंची स्टेज में चढ़ते चढ़ते अचानक नीचे गिर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मुझे तत्व ज्ञान से जानो। बाबा ये तत्व ज्ञान क्या है और आत्म ज्ञान क्या है? ये शरीर काहे से बना है? पांच तत्वों से बना है। तो ये पांच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों तत्वों का गहराई से ज्ञान, इन पांच तत्वों से सृष्टि का कार्य कैसे चलता है वो जानना, यही तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में ये भी जानना होता है कि वो भगवान कौन से पांच तत्वों के शरीर में प्रवेश करता है। ये पहचान अगर हो जाए निश्चयात्मक बुद्धि से तो समझो तत्व ज्ञान पूरा हुआ। और आत्मज्ञान कहते हैं आत्मा के अनेक जन्मों का ज्ञान हो जाए। आत्मा पार्थधारी है, आत्मा ने चारों युगों रूपी कल्प में 84 जन्म लेकर के कैसे कैसे कहां कहां पार्ट बजाए, किन किन व्यक्तियों के साथ पार्ट बजाए हैं, कैसे कैसे पार्ट बजाए हैं आत्मा ने, ये ज्ञान हो जाना ही आत्मज्ञान है। इसलिए वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी कहा है कि मुझे तत्व ज्ञान से जान। और आत्मज्ञान की भी बात है, बाबा गीता पाठशाला में साइन रजिस्टर में पहले माताजी साइन करती हैं, बाद में उनके युगल साइन करते हैं, तो क्या और कोई साइन नहीं कर सकता?
नियम तो ये है कि जो क्लास में पहले आए वो अपना पहले साइन करे, दूसरे नंबर में आए तो दूसरे नंबर में साइन करे। लेकिन जिनके हाथ में कुर्सी होती है वो अपनी चलाते हैं, वो कहते हैं हम पहले नंबर में लेंगे, हम पहले पंक्चुअल बाबा को बन के दिखाएंगे, इसलिए जबरदस्ती अपने साइन कर देते हैं। इसे वास्तव में साइन पहले उन्हीं को करना चाहिए जो पहले आते हैं, बाद में उनको करना चाहिए जो बाद में आते हैं, और साथ में टाइम भी लिखना चाहिए। टाइम का भी तो कालम होता है। लेकिन दुनिया में आज ढिंगा मुस्ती चल रही है, तो ढिंगा मुस्ती की भी शूटिंग कौन करता है? ये शूटिंग का टाइम चल रहा है, ये रिहर्सल का टाइम चल रहा है, तो रिहर्सल हो रही है। ढिंगा मुस्ती करने वाले ढिंगा मुस्ती करेंगे, दादागिरी करने वाले दादागिरी करेंगे। तो बढ़िया पॉइंट निकाला बागवा। अगर कोई भाई ज्ञान में भी चलते हैं, भट्टी भी किए हैं, परंतु विकारों को नहीं छोड़ते हैं, तो क्या अंत में वो स्त्री चोला लेंगे? ये तो कोई बात नहीं। बाबा ने तो बोल दिया है हर आत्मा एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष चोला लेती है। बाकी अंत में जाकर स्त्री चोला लेंगे, माने कलयुग के अंत में जाके स्त्री चोला मिलेगा, बाकी पुरुष का चोला लेते रहेंगे, ये कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा लगातार दो जन्म स्त्री जन्म ले सकती है, अथवा दो जन्म लगातार पुरुष चोला ले सकती है, इससे जास्ती का मार्जिन नहीं है। बाबा गीता पाठशाला का टाइम उजाला होते हुए सर्दियां हैं तो दिन देर से निकलता है, जब झुटपुटा होने लगे, सामने से आने वाला व्यक्ति पहचान में आने लगे, तो क्लास शुरू किया जा सकता है। साढ़े पांच सर्दियों में नहीं, सर्दियों में अंधेरा रहता है, क्योंकि कन्याएं माताएं बाहर से आती हैं, उनकी सुरक्षा करना जरूरी है। अगर हम 4 बजे 5 बजे क्लास रख लेंगे सर्दियों में, अगर कोई अनहोनी होती है तो क्लास का टाइम रखने वाले के ऊपर पाप आ जाएगा। इसलिए सर्दियों में देर से क्लास रखना है, और गर्मियों में दिन जल्दी निकल आता है तो जल्दी भी क्लास रख सकते हैं। ऐसे ही शाम को अंधेरा होने से पहले क्लास पूरा करना है। और शाम को लाइट की वजह से देर बजे गीता पाठशाला खोलने की जिम्मेवारी ली है, तो कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, भीख नहीं मांगनी है। आजकल दुनिया में इन्वर्टर वगैरह सब कुछ चलते हैं, घरों घरों में इन्वर्टर रखे हुए हैं, बहानेबाजी नहीं बनाना चाहिए। बाबा ने बोला है जिस शरीर का आधार लेता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं,
फिर छोटी मम्मा ब्रह्मा कैसे हो गई? और छोटी मम्मा लास्ट में पार्ट बजाएगी या अभी पार्ट बजा रही है? लास्ट में बजाएगी तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं पार्ट चल रहा है, अभी तो गुप्त है। बाबा आत्मिक स्थिति कब बनेगी? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना अर्पण में बनेंगे उतना मन दर्पण बन जाएगा, आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी। अर्पण में का मतलब सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मैं सिर्फ आत्मा हूं। तो जरूर आत्म की स्थिति बनेगी। बाबा कृष्ण का जन्म 2017-18 में किस प्रकार होगा? बच्चे के रूप में होगा या अव्यक्त रूप से होगा? अरे बच्चे के रूप में कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है या संगम में होता है? सतयुग में होगा, संगम में थोड़ा ही होता है। संगम में तो तीसरे नेत्र से ही समझा जा सकेगा ये कृष्ण की आत्मा पार्ट बजाए रही है। जो हद में माउंट आबू है लास्ट में वो ही रहेगा या कोई दूसरा होगा? जो आदि तो अंत, आदि में भी था तो अंत में भी होगा। बाबा ये सपने सच होते हैं क्या? जैसे संकल्प हैं, संकल्प सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं, ऐसे ही सपने भी सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। बाबा सच्ची गीता में एक पॉइंट है कि ये ज्ञान सूर्य है और ये गुप्त मम्मा है, वो अलग है। इस राज को मुश्किल ही कोई समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो बाबा इसका अर्थ क्या है? तो ज्ञान सूरी तो समझ में आ गया है। अगर ज्ञान सूर्य समझ में आ गया कि वो जगत पिता है तो गुप्त मम्मा भी समझ में आ जानी चाहिए। जो आदि में थी फिर गुप्त हो गई, अंत में फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी।
जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उसमें प्रवेश करके पाठ बजाएगा, अर्थात जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है और महाकाली के मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है वो ही गुप्त मम्मा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देत रघुबीर। इसका अर्थ क्या है? चित्र और कूट, कूट माने पहाड़। कैसा पहाड़? जो चित्र वाला है, अर्थात ऊंची स्टेज की बात है, कोई पहाड़ की बात नहीं है। आत्मा जब ऊंची स्टेज में जाती है तो मनन चिंतन मंथन करती है, उस मनन चिंतन का नाम ही तुलसीदास चंदन घिसे, चंदन घिसने की बात बताई है। चंदन को जितना घिसेंगे उतना सुगंधित फैलेगी। तो ऊंची स्टेज में जाकर के तुलसीदास अर्थात तुलसी का पाठ बजाने वाली आत्मा उसका जो दास बनकर के रहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। सर्वेंट माने दास। तो तुलसी ने जो सेवा का पार्ट बजाया वो यादगार में शास्त्रों में गाया हुआ है कि तुलसी ने पहले पहले अपने को भोग लगाया भगवान के सामने, और कोई ने नहीं लगाया। जब तुलसी ने पहला कदम आगे बढ़ाया तब उसे देख करके दूसरों ने आगे कदम बढ़ाया। पहले भगवान के कार्य में तुलसी समर्पित होती है, फिर और ढेर की ढेर कन्याएं माताएं समर्पित होती है। इसलिए तुलसी ने ईश्वरी की सेवा में सेवाधारी का पाठ बजाया, माने दास का पाठ बजाया। तुलसी को आंगन में बाहर रखा जाता है, अंदर नहीं रखा जाता। अंदर बेडरूम में मालिक मालिकानी रहते हैं और आंगन में दास दासी को बैठाया जाता है। तो ये पाठ तुलसी ने स्वीकार किया ईश्वरीय सेवा में। इसलिए भगवान को आज भी भोग लगाते हैं तो पहले पहले तुलसी का भोग लगाया जाता है, तब भगवान भोग स्वीकार करते हैं। अगर तुलसी न लगाई जाए भोग में तो जैसे कि भगवान भोग ही स्वीकार नहीं करते। तो भगवान स्वयं आकर के तुलसी के दास बनते हैं, कहते हैं तुम बच्चे मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूं।
मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल में ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर के रहता हूं। तुम संकल्प करो और कार्य मैं संपन्न कराऊंगा, ऐसा ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर के रहता है। उसको कहते हैं तुलसीदास। जरूर कोई शरीर में आकर के कार्य करता होगा, जिस शरीर में मुकर रूप से पाठ बजाता है वो राम की आत्मा होती है। इसलिए मुरली में बोला है कि शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं, माना जो रामायण लिखी है वो लिखने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा ही द्वापर के आज में वाल्मीकि बनकर के पाठ बजाती है। वही आत्मा कलयुग के मध्यांत में आकर के तुलसीदास का पाठ बजाती है। जो तुलसीदास लिखते हैं कि तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुबीर, ये बात कोई कलयुग की नहीं है, ये भी संगम युग की बात है कि संगम युग में तुलसीदास वाली आत्मा राम ने मनन चिंतन रूपी चंदन घिसा और भगवान ने आकर के उस चंदन से उनका राज तिलक कर दिया, अर्थात विश्व की बादशाही का तिलक आकर के देते। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली, नर्मदा का पाठ किसका है? नर और मादा दोनों को मिला दिया तो बन गया नर्मदा। नर माने स्त्री का पाठ और पुरुष का पाठ, नर्मदा दोनों का पाठ बजाती है। जो अभी नाम आया शिखंडी, और जगदम्बा का पाठ है वो ज्ञान की नदी है। दो नदियां प्रसिद्ध हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। तो नर्मदा का ओरिजिन कहां से होता है, कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ से। कंटक माने क्या है? कांटा। कैसा कांटा? अमर है, खलास होने वाला कांटा नहीं है। जब तक ब्राह्मणों की दुनिया की पढ़ाई चलती है तब तक अंत तक वो कांटा कायम रहता है। उससे उसका जन्म होता है। बाबा सभी पांडवों का अर्थ बता दीजिए, जैसे युधिष्ठिर का बताया। युधिष्ठिर बड़ा भाई अर्थात सूर्यवंशी, भीम उससे छोटा भाई अर्थात चंद्रवंशी, भीम माने भयंकर,
सारी दुनिया को भय पैदा करने वाला कौन सा पार्ट है जो सारी दुनिया को भयभीत कर देता है, जो दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक हैं, एटम बम बनाने वाले, जिनके एटम बमों से सारी दुनिया नष्ट हो सकती है, वो भी डर जाते हैं। वो कौन सा पार्ट है? शंकर का पार्ट, विनाश का पार्ट। शंकर अर्थात कौन सी आत्मा, कौन सी युग में प्रसिद्ध होती है? त्रेता युग में प्रसिद्ध पाती है, इसलिए उसका पहला पार्ट गाया जाता है चंद्रवंशी भीम, और अर्जुन जो पुरुषार्थ का आर्जन करता है। एक बौद्ध धर्म ही ऐसा है जिन बौद्धियों ने आत्मा को भी नकार दिया, आत्मा का भी उनके साहित्य में कहीं वर्णन नहीं, परमात्मा का भी वर्णन नहीं, स्वर्ग का भी वर्णन नहीं, फिर भी उनके धर्म के सिद्धांत बड़े श्रेष्ठ हैं, किसी को दुख देने वाले सिद्धांत नहीं है, ऐसे पुरुषार्थ का अर्जन किया। जितने भी विधर्मी हैं उन विधर्मियों के बीच में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म है बौद्ध धर्म, भारतीय धर्म, जिसने भारत का इतना नाम बाला किया कि भारत के मनीषियों, शास्त्रकारों, महात्माओं के बीच इतना प्रभाव डाल दिया कि उन्होंने भगवान के 24 अवतारों के बीच 10 अवतारों के बीच महात्मा बुद्ध का भी नाम डाल दिया, जबकि महात्मा बुद्ध हिस्ट्री के अंदर है, दूसरा कोई भी अवतार हिस्ट्री के अंदर नहीं है। सब संगम युग की यादगार। ऐसे पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला अर्जुन है, उनके फॉलोअर्स बौद्ध धर्म के हैं। अगले दो हैं सन्यासी और सिख, जो कुंती की औलाद नहीं है, माद्री की औलाद है। कुंती और माद्री में ज्यादा तीखी बुद्धि किसकी थी? है किसकी? कुंती की। मातृ का नाम ही है मंदबुद्धि। उनसे पैदाइश है सन्यासी और सिख धर्म की। ये हुए नकुल। नकुल न्योलियों को कहा जाता है। न्योला सर्प को खंड खंड करके काट देता है। ये सन्यास धर्म में इतनी ताकत है कि जब भगवान बाप को ये पहचान लेंगे तो जितने भी दुनिया के विधर्मी हैं, इस्लामी और क्रिश्चियंस, इनको टुकड़े टुकड़े करके काट डालेंगे, खंडन कर देंगे। जैसे भक्ति मार्ग में शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में
भारत के अंदर सब विधर्मियों का खंडन कर दिया था और भारत के चारों कोनों में चार मठ स्थापन कर दिए थे। वो है नकुल और पांचवा पांडव है सहदेव, जो सदैव देवताओं को सहयोग देता है। माने ब्राह्मणों की दुनिया में जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनको ही सहयोग देने वाला है और इतना सहयोग देता है जितना देवता धर्म की आत्माएं अपने को सहयोग नहीं दे पाती। जैसे कि हिस्ट्री में हिंदुओं ने उतने बलिदान नहीं दिए स्वतंत्रता संग्राम में जितना सिखों ने बलिदान दिए। रामकृष्ण को भी मानने वाले हैं, जगदम्बा को भी मानने वाले हैं, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन खान पान मुसलमानों जैसा और क्रिश्चियन जैसा ही है। रहन सहन वैसा ही है, हाँ जी, निराकार साकार के मेल को शिव बाबा कहते हैं। निराकार शिव और बाबा साकार, बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। हाँ, लेकिन बाप बाप कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया है। और ये भी कहते हैं तुम बच्चों को बेहद में दो बाप मिला है। हैं? तो बाप माना दो बाप मिला, माना बाप को ऐसा बुला नहीं से दोनों का याद रहते हैं ना बाप, माना बाप और साकार बाप, अगर बाप बुलाना वो सही है या मनुष्य साकार होते हैं। मनुष्य साकार होते हैं तो मनुष्यों का बाप भी साकार होगा और आत्माएं निराकार होती हैं तो उनका बाप भी निराकार होगा। लेकिन आत्माओं का बाप मनुष्यों के बाप में प्रवेश करता है, इसलिए बाप नहीं कह सकते, ये बेइज्जती हो जाती है। बाबा जैसे कोई से बोलते हैं ना, ए तेरा बाप आया हुआ है, तो आकवार्ड लगता है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, हमारा बाबा है, हमको बाबा मिला है, शिव बाबा बहुत प्यारा है। तो बाप जो है वो मोस्टली कहा जाएगा निराकार ज्योतिबिंदु को, या तो कहा जाएगा साकार को, लेकिन साकार तो पतित है, उसको याद करने से तो फायदा नहीं है। और निराकार अगर साकार में नहीं है तो जैसे जड़वत है उससे भी फायदा नहीं है। फायदा कब है?
दोनों का मेल है तो शिव बाबा है। इसलिए शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। और भाव में भाषा भी तो बदल जाती है। ए आत्मा इधर आओ, ए बाप, तो भाषा भाव को प्रकट नहीं कर रही। ए बाबा ऐसा भी बोल सकते हैं ना, बच्चे हैं तो ओ बाबा बुलाते हैं, दूर हैं तो कहेंगे हाथ उठा के ओ बाबा, बुलाएंगे ना। और बाबा मरी नाला उंड आत्मन चूस्तुंटे पावनंगा अयताना, बाबाला उंड शिवुनि चूस्ते पावनंगा तयार अयताना, हिंदीलो चेप्पंडि। मेरे में जो आत्मा है उसको देखने से मैं पावन बनता हूँ, लेकिन और शिव बाबा से देखते ही पावन बनता हूँ। मेरे अंदर जो आत्मा है वो देखना सहज है, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस तो पड़ती है, प्रैक्टिस बढ़ती है, लेकिन पावन आत्मा घड़ी घड़ी आत्मा को याद करो, पावन नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस बढ़ेगी आत्म की स्थिति में रहने की। लेकिन पावन तब ही बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी आत्मा तो पतित है। और लेकिन ये मना तो करते ही ना, आप बाप बोला तो बाबा तो मना तो करते ही नहीं। लेकिन ये तो कहते हैं शिव बाबा अक्षर कितना मीठा है, कहीं मुरली में बोला बाप अक्षर कितना मीठा है, नहीं बोला। लेकिन तो ऐसा जब अनुभूति आते हैं बाप 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 ऐसा बोला तो जब अगर मैं तो सीमित सीमित सुख बाप ऐसा बाबा सबसे ज्यादा बाप तो तुम ही कहते हो, फिर तुम ही कभी कभी रोते हुए देखे जाते हो, तो भाव कहाँ रहा। इसलिए शिव बाबा ही अच्छा है, ये मेल है ना, मेल प्रवृत्ति मार्ग में मजा है या निवृत्ति मार्ग में मजा है, है? प्रवृत्ति में मजा है, एक साकार और एक निराकार ये प्रवृत्ति हो गई, इसलिए वो प्रवृत्ति गाई हुई है संसार में जो शिव के साथ है। वो कौन सी प्रवृत्ति है? शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोला भाला, शिव है भोला उसका नाम पहले और भाला बाद में, शंकर बाद में, तो दोनों की प्रवृत्ति हो गई। अब भोला है वो बड़ा या भाला बड़ा है? पहला जिसका नाम है वो ही बड़ा, जो बड़ा है वो छोटे को कंट्रोल करेगा या छोटा बड़े को कंट्रोल करेगा? जो बड़ा है वो छोटे को कंट्रोल कर लेता है। और लेकिन मुरलियों में जो बोलते हैं ना बाप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बाप है? बच्चों मुरलियों में बाप बोलते हैं ना बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, समझ की बात है ना, कि कौन सा बाप पढ़ाते हैं, मनुष्यों का बाप पढ़ाते हैं या आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाला कौन है? आत्माओं का बाप पढ़ाने वाला है। मनुष्यों का बाप तो खुद ही उल्लड़ बन गया आखिरी जन्म में, पतित बन गया, सबसे जास्ती पतित बन गया, वो क्या पढ़ाएगा? हाँ ये कहेंगे कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म अच्छे हैं जो शिव बाप ने प्रवेश कर लिए। और अपने को पहचान में बिना भगवान की पहचान हो सकती है, बाप की पहचान हो सकती है? एक होती है सामान्य पहचान,
और एक होती है विशेष पहचान। अपने को सामान्य रूप से पहचान लिया मैं आत्मा, ये सामान्य पहचान है या विशेष पहचान है? क्योंकि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी सभी आत्मा। मैं ज्योति बिंदु, ये भी, वो भी, वो भी, सभी ज्योति बिंदु। मैं सितारा, ये भी, वो भी, वो भी, सभी सितारा। तो ये जनरल पहचान हो गई, सामान्य पहचान हो गई, इसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? मैं आत्मा कौन, ये आत्मा कौन, वो आत्मा कौन, वो आत्मा कौन, क्या क्या कौन कौन पार्ट बजाने वाला है? इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता, इनका पार्ट इनसे नहीं मिलता, एक जन्म का भी पार्ट कोई का किसी से नहीं मिलता, एक जन्म का शरीर रूपी वस्त्र कोई भी जन्म की कोई भी आत्मा के साथ नहीं मिलता। मिलता हो तो बताओ। तो ये विशेष पहचान हो जाए, इसको कहेंगे पहचान। और वो पहचान बाप ही आकर के देते हैं, वो आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप है, जो एक एक रूह की पहचान देता है। डायरेक्ट नहीं बोलता है कि तुम्हारा इस जन्म में ये पार्ट है, अगले जन्म में वो पार्ट है उसका, इसके जगह अगले जन्म में ये पार्ट होगा, नहीं, एक फार्मूला बता दिया। जैसे गणित होता है ना, बीज गणित होता है, रेखा फार्मूला होते हैं, तो ऐसे ज्ञान के फार्मूले दे दिए। वो ज्ञान के फार्मूले बुद्धि में घुमाते रहो, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, जितना सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे अपना अपना पार्ट क्लियर करते रहेंगे। अब स्वदर्शन चक्र उनका ही घूमेगा जिनका परदर्शन कम चले। अगर परचिंतन करते रहेंगे तो स्वदर्शन घूमने वाला नहीं। तो सब बता जी, अरे बाजू, तो सुदर्शन चक्र जरूर घूमेगा जब भी मौका मिले, जब भी सवेरे सवेरे उठे तो पहले पहले याद आए क्या है? ऐसे नहीं उठते ही शीशा देख लिया, नहीं, उठते ही याद आए स्टार। थोड़ा टाइम उसमें टिके, कोशिश करके भी टिके, हठ योग से भी टिके। सवेरे को बुद्धि इधर उधर भागेगी, बार बार ठिकाने पर लाएं, आसमान में सितारे को देख लें, फिर याद करें, कमरे से बाहर आ जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे को आत्मिक स्मृति की, सारा दिन आत्मिक स्मृति पक्की रहने से बाप की याद काम करते करते भी आती रहेगी, याद ही सहज हो जाएगी। और ऐसे नहीं, रात को जब सोते सवेरे को उठते हैं तभी, अगर दोपहर को भी सो जाएं, तो सोने के बाद जब उठें तो पहले 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 आत्मिक स्थिति बने, स्टार को याद करें। फिर देखो सारा दिन अवस्था बनती है कि नहीं बनती है। और सतयुग का सुख बेहद का सुख कहेंगे, क्योंकि सत्य है,
कलयुग का सुख सत्य नहीं है, ये क्षण भंगुर है, गिरती कला होती है। लेकिन वहाँ जो गिरती कला होती है वो धीमी गति वाली होती है या तीव्र गति वाली होती है, इसलिए श्रेष्ठ है। यहाँ तो कितने तेजी से नीचे गिरते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान में चलते चलते अगर कोई विकार में गिर जाए तो पांचवी मार से नीचे गिरता है। कितना नीचे गिर गया, जो विकार में गिरता है उसकी बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है, अब तक की हुई कमाई सारी चट्ट हो गई। तो सतयुग के गिरने में और कलयुग के गिरने में जमीन आसमान का फर्क है। सतयुग का सुख श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है और कलयुग का सुख गुमूत वाली इंद्रियों का सुख है। बहुत फर्क हो गया। और ये पढ़ाई भविष्य के लिए ऐसे बोलते हैं ना। हाँ जी। और दूसरी तरफ कहते हैं वैकुंठ वास तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। है तो इसमें दोनों अंतर हैं। क्या अंतर है? भविष्य के लिए वैकुंठ वास अभी पुरुषार्थी जीवन है या भविष्य का सुख शुरू हो गया? अभी 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 पुरुषार्थी जीवन है, अभी सुख का टाइम नहीं है। अभी तो जितने दुख के पहाड़ गिरने हो उतने गिर जाएं, क्योंकि बाप छत्र छाया बना बैठा है इसलिए क्रॉस कर देगा। जितना हम यहाँ दुख भोगेंगे उतना वहां सुख मिलेगा, क्योंकि जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए है। ईश्वरीय सेवा के बहाने अगर दुख मिलता है तो अहो सौभाग्य। ईश्वरीय सेवा में अगर धक्के मिले ज्यादा, धर्म के धक्के तो मिलते हैं लेकिन ईश्वरीय सेवा के बहाने अगर धक्के मिले तो अहो भाग्य। इसलिए धर्मराज सजाओं से बचना है तो दुख से डरना है या मुकाबला करना है? हाँ ये बात तो है कि जो बाप के बच्चे बनते हैं जैसे बाप चलाता है वैसे ही चलते हैं तो दुख दुख भासेगा नहीं। दुख का अनुभव ही नहीं होगा। मान लो रास्ता चलते कोई पागल मिल गया, तड़ातड़ तड़ातड़ चांटे मारने लगा, तो बाप आके प्रवेश करके सारा सहन करेगा। हमको अनुभव नहीं होगा कि हमने दुख सहन किया। अगर श्रीमत पर हैं तो दुख भासेगा नहीं। और बैकुंठ माना वो या नहीं है, ईश्वरीय जन्म है लेकिन हम घड़ी घड़ी असुर के भी तो बनते हैं। मनमत पर चलते हैं कि नहीं, असुरों की मत पर असुरों की बात मान लेते हैं कि नहीं? हाँ ये बात तो ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, बाबा को नहीं बताना। तो ईश्वरीय जन्म है, ईश्वरीय बच्चा है कि घड़ी घड़ी असुरी बच्चा भी बन रहा है?
गे गे मान भविष्य की बात आ गई। भविष्य में ही तो ईश्वर असली ईश्वर होगा जब प्रत्यक्ष होगा संसार में। अभी गुप्त है कि प्रत्यक्ष है ईश्वर? अभी अभी ईश्वर प्रत्यक्ष है संसार में या गुप्त है? बस प्रत्यक्ष होगा तो अभी से बता रहे हैं, अभी से कहना शुरू कर दिया कि दुनिया कहती है बाप गुप्त हो गए और बाप बच्चों के जब चाहे तब सामने प्रत्यक्ष है। बाप बच्चों के बिगर रह नहीं सकता और बच्चे बाप के बिगर रह नहीं सकते। गिनती अपनी करते रहो। ईश्वर के बच्चे और सजाएं खाएं, ऐसे हो नहीं सकता। और सतो प्रधान आत्मा है हर युग में अपनी कोटि की सतो प्रधान आत्मा होती है। सतयुग में जितनी सतो प्रधान आत्मा होगी वो द्वापर के आदि में उतनी सतो प्रधान आत्मा थोड़ी हो सकती है। हाँ, परम धाम से इब्राहिम आया, सतो प्रधान आया, तमो प्रधान आया, सतो प्रधान आया। वो सतो प्रधान ऊपर से आने वाली आत्मा किस में प्रवेश करती है? दुनिया का जो सबसे तमो प्रधान होगा उसमें प्रवेश करेगी। कौन होगा बताओ? है इस्लाम धर्म की वही आत्मा सबसे तमो प्रधान बनती है जो दृष्टि के सुख में व्यभिचार लगा देती है। द्वापर के आदि में सबसे जास्ती व्यभिचारी बन पड़ती है। फाउंडेशन कहां डालती है? यहां संगम में। और हिंदू का हिंसा को दूर करने वाला वो तो शिव बाबा। लेकिन हिंदू तो एक धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ बलिदान जिन्होंने नाम धराया है कि हम हिंदू हैं, नाम धराया और काम नहीं किए तो भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट कर्म है या श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म है? ब्राह्मणों की दुनिया में देखो, ब्राह्मणों की दुनिया में एक है राम की सेना रुद्रमाला और एक है मनुष्यों की सेना मिली हुई है उनको। हैं तो मनुष्य लेकिन वो अपन को समझते हैं कि हम हिंदू हैं और ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। रुद्रमाला के मणके और इनके बाप शंकर जी महाराज जैसे बाप वैसे ही बच्चे होंगे। ऐसी मेंटली रखी हुई मेंटलिटी
बेसिक वालों ने कि हम हिंसा को घटाने वाले हैं और ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, काम विकार की हिंसा को, तो हिंदू कौन से हुए? तो जो ये समझते हैं हम हिंसा को घटाने वाले हैं और ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी, हिंदू आज समझते हैं कि अरब देश के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान भ्रष्ट हैं। समझते हैं कि नहीं? समझते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो धर्म में बंधे हुए हैं, चार से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, और ये खुद इनके पास तो कोई लिमिट ही नहीं है, इन राजाओं के पास, यथा राजा तथा प्रजा, राजा हैं, उनके पास धन संपत्ति खूब है, खुलेआम कुछ करेंगे, और जिनके पास धन संपत्ति वैभव नहीं है वो खुलेआम तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? चोरी चकारी करेंगे। उस चोरी चकारी से व्यभिचार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा। इस्लामी तो महागामी बात है ना बाप, ये तो महागामी है। जब वो आया था तो उसकी बुद्धि में ये नहीं था कि दृष्टि से भी संतान पैदा होती है, इसलिए उसने बीज ही ऐसा डाला व्यभिचार का। और अलग करते हो, वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। माना अम्मा बाप में फ्रिक्शन कौन डालते हैं? बच्चे फ्रिक्शन डालते हैं, और अम्मा बाप फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। ये रामकृष्ण की बात है, ये रामकृष्ण की हिस्ट्री बताई कि कृष्ण वाली आत्मा तो बच्चा है जो माता का पार्ट बजाती है, वो मात्र वात्सल्य वाली आत्मा भोली वाली ज्यादा है या बाप ज्यादा भोला वाला है? रामकृष्ण के बीच की बात हो रही है। कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बुद्धि है, यहाँ संगम में भी बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है, जैसे बच्चा भोला भाला होता है, ऐसे ही भारत की माताएं भी भोली भाली होती हैं। ये भारत की कन्याएं माताएं इनको बड़ी जल्दी बरगरा लेते हैं, बरगरा बरगरा कर तो विदेशों में ले जाते हैं और ढेर सारी प्रजा पैदा करते हैं। कितना कन्वर्शन किया, मतलब दोनों का तो जन्म, अनेक जन्म बहुत नजदीक संबंध होते हैं। हाँ जी, नजदीक भी होगा फिर दूर भी हो जाएंगे, कई जन्म नजदीक भी होंगे दूर भी होंगे, यहाँ नहीं होता है। अभी अभी ब्रह्मा की सोल राम वाली सोल में प्रवेश करके एडवांस ज्ञान सुन रही है, सहयोगी बन रही है, अभी अभी बच्चे उसकी बुद्धि को ऐसा घुमा देते हैं, वाइब्रेशन को ऐसा बनाए देते हैं कि एकदम देहाभिमानी बन करके गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। सबसे ज्यादा चक्करी में तो कृष्ण की आत्मा आती है। हाँ जी,
तेरे बहाने सर्व का भला, तेरा भला हो तो सर्व का भला हो। इसलिए बोलते हैं माताओं के लिए आता हूं, माताओं का उद्धार होगा तो सारी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन तो बकरा तो सात्विक आहार खाते हैं, सात्विक आहार, हाँ बकरा तो ऐसा नहीं मांसाहार नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पत्तियां खाता है बकरा और बकरी वो सात्विक पत्तियां ही खाता है या बदबू वाली पत्तियां भी खा जाता है? बदबू वाली पत्ते भी खा जाता है। तो इसलिए जहर मन बनते हैं। हाँ जी, खान पान अच्छा होना चाहिए। बर्फ में ईश्वरीय ज्ञान मिलता है? नहीं नहीं, जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है हाँ, वो आत्मा से कब उड़ जाती है? उड़ जाती है ना, तो सच्ची में तो ईश्वरीय ज्ञान तो साफ तो होती है, वो ज्ञान कब उड़ जाती है? आत्मा जब परमधाम जावेगी तो सिर्फ आत्मिक ज्ञान रह जावेगा या सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ होगा? बस उड़ गया। शरीर सुरक्षित होती है बर्फ में? शरीर अलग बात है, आत्मा अलग बात है। अब तक नहीं, बर्फ में तो चीज सुरक्षित ही रहती है। सदा कायम शिव बाबा है, बाबा शब्द लगाने से सदा कायम है। हाँ जी, वो जो निराकार बना थोड़े समय के लिए, वो एकदम 100% निराकार बन गया, वही 100% निराकारी स्टेज वाला वही आत्मा फिर शरीर में प्रवेश करता है, और वो उसका शरीर भी जैसा सोना वैसा उसको जेवर मिल जाता है। प्रकृति के पांच तत्वों का पुतला सबसे जास्ती सत्व प्रधान, तो वो धीरे धीरे गिरेगा या एकदम इब्राहिम की बीज रूप आत्मा के समान नीचे गिर जाएगा? धीरे धीरे गिरेगा। हाँ,
आपकी बात लगी। हाँ भाई, जो आदि ब्रह्मा है वो जब तक बाप के साथ रहती है, बाप से मिल मिला करती है, उसको ब्रह्मा जी कहते हैं, और जब बाप से दूर होता है उसको ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आदि माता है, गुरु आदि है, तो जब तक बाप बाप के साथ रहती है उसको हम ये कहेंगे ब्रह्मा कहेंगे। ब्रह्मा आता है पतित में ही, तो शिव बाबा आता है, बाप आता है, बाप पतित में आता है कि पावन में आता है, पतित में आता है। बाप के संग के रंग से वो सूक्ष्म रूप धारण करता है ब्रह्मा। पहले स्थूल देह में बंधा हुआ था, जिस सूक्ष्म देह में बंधता है वो फरिश्ताई देह है या इविल सोल है, फरिश्ताई है। हाँ जी, समय तक बाप से मिलन मिला करती है, करती है, तो उसकी ताकत बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है, बढ़ती है ताकत, तो बहुत दिन हो गए। इतनी ताकत बढ़ती है कि सामान्य आत्माओं की तो हिम्मत नहीं पड़े बाप का मुकाबला करने की, और उसमें तो इतनी हिम्मत आती है कि छाती पे भी पांव रख देती है। अभी ब्रह्मा तो रात्रि है ना, बाप से भी ठीक है। ब्रह्मा रात्रि में, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी रात्रि में, एक के सुधरने से सब सुधर जाते हैं, एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं। इसलिए तो बोला प्रकृति को जड़ समझना है, और जड़त्व भाव समझ करके उसको योगदान देना है, ज्ञान का दान। ज्ञान तो वो खुद ही इतना जानती है कि उसके मुकाबले कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। योग का दान देना है, आवाहन नहीं करना है, योग दान देना है। चंद्र ग्रहण लगता है तो भंगी चिल्लाते हैं, क्या दे दान तो छूटे ग्रहण। आवाहन नहीं करना है, आवाहन लक्ष्मी का करना है। ओम शांति, सब लोग कुल बुला रहे हैं।